हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर थर्ड ऑफ जुलाई 2022 थाउजेंड तीन जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे संडे का दिन है पर भाई साहब क्या पेपर आज का आया था बहुत ही बेहतरीन पेपर आ, क्या क्या मस्त न्यूज़ आइटम्स आए साइंस के इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए सारे हम डिस्कस करेंगे के करके अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए उससे हमें मोटिवेशन मिलता है शर्माया मत करिए हिचकी मत झिझकिए मत है ना लाइक like बस करा करिए ठीक है ना तो वन पर्सन वन लाइक के कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे जो लोग नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें एक बार आप एक बार कस्टम्ड हो गए आप इस कंटेंट के तो फिर ये कंटेजियस है आपको ज़रूर देखने को मतलब हर दिन इच्छा होगी तो कीप वॉचिंग इट आप रोज़ देखा करेंगे और कुछ लर्न किया करेंगे ऑब्वियसली तो स्टार्ट करेंगे जो हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न से स्टार्ट करेंगे पहले हम प्रिलिम्स के लिए क्वेश्चन देते हैं फिर आपसे मेन्स का क्वेश्चन ऑफ़ द डे पूछते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूज़ आइटम्स एडिटोरियल ये सारी चीज़ें ठीक है ना एक एक करके शुरू करेंगे सबसे पहले आज के प्रिलम्स क्वेश्चन ऑफ़ द डे पहला सवाल है देयर विल बी प्रोग्रेसिवली लेसर डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब प्रोग्रेसिवली लेसर डिफरेंस होगा बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑप्शन आर ए अगर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ स्लो है नेशन में एंड कैपिटल डिप्रेशिए हाई है दूसरा इफ द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज हाई इन अ नेशन एंड कैपिटल डिप्रिशिएशन इज लो अगर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज स्लो इन अ नेशन एंड कैपिटल डिप्रिसिएशन इज हाई या डी इफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज हाई इन अ नेशन एंड कैपिटल डिप्रिसिएशन इज हाई तो इनमें से कौन से केस में आपको लगता है Uh, की जो प्रोग्रेसिवली लेसर डिफरेंस आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा दिस इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू है द मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स जो इंटरमीडियरी गुड्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है तो उन, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी से हम उसको डिडक्ट करते हैं इसका रीजन क्या है क्यों करते हैं फर्स्ट दिया है टू अवॉइड द डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स दूसरा है इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन इन द कैपिटल स्टॉक तो आपको बताना है कि क्या रीजन है कि हम इसको डिडक्ट uh, करते हैं वन ओनली टू ओनली बोथ या नन अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कैश मैनेजमेंट बिल्स कैश मैनेजमेंट बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कैश मैनेजमेंट बिल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बिल्स होते हैं दूसरा कह रहा है दीज बिल्स आर इशूड बाय आर बी आई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड तीसरा कह रहा है दे आर एलिजिबल एज स्टेट्यूटरी ये एस एल आर जो सिक्योरिटीज होती हैं एस एल आर सिक्योरिटीज होती हैं बैंक के लिए उसमें ये एलिजिबल रहती हैं एस एल आर सिक्योरिटीज के लिए ठीक है ना तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है अब एक एक करके आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन थोड़ा टफ है नो no डाउट लेकिन अगर आपसे एक भी बनेगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू आर एबल टू सॉल्व तो थोड़ा हमको नया तो देखो अगर मैं रोज आपसे केवल बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध पूछूंगा तो आप उसका आंसर कर देंगे थोड़ा हमको लेवल स्टेप अप भी करना पड़ेगा पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि देयर विल बी प्रोग्रेसिवली लेसर डिफरेंस बिटवीन जी डी पी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वेन तो इनमें से कौन सी चीज अगर हो तो वहां पर जी डी पी और एनडीपी में कम डिफरेंस आपको को देखने को मिलेगा देखो एनडीपी क्या होता है यानी कि net domestic product होता क्या है? तो इट इज एक्चुअली जीडीपी डिस्काउंटेड फॉर टोटल वैल्यू ऑफ दियर मतलब अगर अगर हम कर पी अगर हम कर तो फिर आपको क्या मिल जाएगा एनडीपी मिल जाएगा ठीक है ना तो यही होता है ना तो जीडीपी माइनस इज एक्चुअली एनडीपी अब कैपिटल में वीआर हो रहा है और क्यों हो रहा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कम होगी है ना अगर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो वीआरएनटीआर घट जाता है ना कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो वीआरएनटीआर घट जाएगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसमें डिप्रीशियन कम हो, और हाई हो तो ये बी ऑप्शन अगर आप पढ़ें, बहुत अगर कम हो तो जीडीपी और एनडीपी का डिफरेंस घट जाएगा जीडीपी माइनस डेप्रीसिएनडीपी अब एनडीपी और जीडीपी की वैल्यू बराबर कब आएगी जब यह डिप्रिसिएगा डिप्रिसिएशन कम कब होगा जब हमारी टेक्नोलॉजीज अच्छी होंगी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हाई होगी और कैपिटल डिप्रिसिए कम होगा वही हमने ऑप्शन मार्क किया है आई होप यू क्लैरिटी मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में मजा आया होगा है ना राहुल गांधी जी कहते हैं मजा आना चाहिए तो वही आ, आया कि नहीं आपको दूसरा सवाल है मैंने आपसे पूछा था कि भैया मार्केट वैल्यू इंटरमीडियरी गुड्स की जो होती है, की जाती है क्या आंसर किया मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर केवल ए होगा वन ऑनली केवल केवल और केवल हम डबल काउंटिंग को हटाने के लिए ही इंटरमीडियरी गुड्स की वैल्यू डिडक्ट करते हैं ना कि उसमें फिर ये सब कैलकुलेट करने के लिए बल्कि सिर्फ अवॉइड द डबल काउंटिंग तो इसका आंसर हो जाएगा ए तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कैश मैनेजमेंट बिल के रिगार्डिंग देखो कैश मैनेजमेंट बिल में पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है देआर लॉन्ग टर्म बिल्स ये बहुत गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली कैश मैनेजमेंट बिल्स आर शॉर्ट टर्म बिल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में गई जरूर इशू करता है ऑन बिहाफ़ ऑफ द गवर्नमेंट लेकिन याद रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इशू करता है टू मीट द इमीडिएट कैश नीड्स कैश मैनेजमेंट बिल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इशू होते हैं मतलब इशू आरबीआई करता है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट लेकिन क्यों होते हैं टू 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 फुलफिल देयर मीट देयर इमीडिएट कैश नीड जो उनकी इमीडिएट कैश नीड्स होती है ना उनको फुलफिल करने के लिए और थर्ड जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा था कि एलिजिबल एज एस एल आर एसएलआर की सिक्योरिटी में बिल्कुल कैश मैनेजमेंट बिल्स का यूज किया जा सकता है तो दीज आर द थिंग्स ये तीन सवाल थे आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा आगे बढ़ते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं आज का मेंस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉट इज दिस ए या फिर क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और किस तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम स्टॉप कर सकते हैं रोक सकते हैं ठीक है ना सो दिस इज द क्वेश्चन आई होपिल पीपल विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब आप लोग के जो कमेंट सेक्शन पढ़ने में आजकल मजा आ रहा है ना जो आप लोग के आंसर्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है आ, कभी नहीं आया शायद कल इतने अच्छे अच्छे लोगों ने नए नए आंसर लिखे हर्षिता त्यागी ने एक आंसर लिखा था वेरी गुड आंसर रोहिन सागर का आंसर था बहुत ही डिटेल्ड उन्हें बहुत अच्छे समराइज़ करके कि क्या अल्टरनेटिव से कैसे हैं उन्होंने आंसर लिखा था इसके अलावा आई थिंक शशि चौहान ने नया अटैम्प्ट किया है मानसी हैज़ अटेम्प्टेड द क्वेश्चन है ना बाकी पुराने लोगों का नाम तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है मैं कुछ नए लोगों के नाम बता रहा हूं रचना खाकरे ने आंसर लिखा था तो दीज आर दीपल हु आर राइटिंग दी आंसर और आप लोग पढ़ सकते हैं मतलब कल का अगर आप हिंदू एनालिसिस देखें आपको मिलेगा बेहतरीन बेहतरीन आंसर आपको मिलेंगे तो यू पीपल आर इंप्रूविंग एवरी डे कीप ऑन राइटिंग है ना अब मूव करेंगे हम आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक एक करके अब देखो पहली न्यूज़ हम देखेंगे आज का न्यूज़पेपर मतलब मतलब बता रहा हूँ जो भी न्यूज़ आप पढ़ोगे ना एकदम आंसू ला देने वाली न्यूज़ है सारी की सारी है ना मज़ेदार मतलब सब में एक क्वेश्चन दिख रहा है यूपीएससी का पहली न्यूज है सेविंग चेन कुरिंजी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज अब हम देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम शेंदुरनी पढ़ा कहाँ से उसका नाम पड़ा ही चेन कुरिंजी से उसका नाम पढ़ा है शेंदुरनी का नाम शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों पढ़ा है बिकॉज ऑफ द चेन कुरिंजी या फिर ग्लूटा ग्लूटा ट्रैवन कोरिका ग्लूटा

ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आता है काफ़ी बड़ा है 2001 में स्टैब्लिश हुआ था ये आपका कोल्लम में तिरुवनंतपुरम केरला वाला जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है ठीक है ना अब ये चेन कुरिंजी जो है ये एनाकार्डिए से एना कार्डिए से ये देखो तो लिखा हुआ है इसको देख लेना एना कार्डिए से फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट वॉज अ ट्री जो कि एबेंडेंट है वैसे इस हिल में इस एरिया में इस पार्ट में लेकिन अभी इस समय इसको क्लाइमेट चेंज से काफ़ी थ्रेट है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो ग्लूटा ट्रैवन है इट इज़ वेरी ससेप्टिबल टू द क्लाइमेट चेंज ठीक है ना प्रेजेंटली द कंडीशन ऑफ द स्पीशीज इज क्वाइट बैड एंड इसमें जो रीजनरेशन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो गई है द रीजनरेशन परफॉर्मेंस इज वेरी लो इन दिस ग्लूटा ट्रेवन कोरिका या फिर चेन कुरिंजी इसी के नाम पे शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नाम पड़ा है वो इसी के ऊपर पड़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इसके काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आर्थराइटिस को ट्रीट uh, करने के लिए यूज किया जाता है एंड दिस हार्ट वुड इज क्वाइट स्टडी विद डीप रेड कलर एंड सेवरल ट्रीज वर फेल्ड फॉर द वुड आल्सो तो वुड के लिए भी इसका जो यूज uh, uh, काफी काट, का, काटा जाता था इसको पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा इसकी कटिंग होती थी बिकॉज ऑफ इट्स वुड वुड एंड काफ़ी डीप रेड कलर की इसकी वुड होती है ठीक है ना तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्लांट है ये ट्री है चेन को जी और उसको बचाना जरूरी है एक कैंपेन चल रहा है सेव चेन कुरिंजी का कैंपेन भी चल रहा है क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए और ये रीजन इसका याद रखेगा आर्यन काबू पास आर्यन कावू पास ये लिखा हुआ है है ना तो ये पास का नाम भी याद रखिएगा आर्यन कावु पास जो कि केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है तो ये लोकेशन भी आप याद रखिएगा फ्रॉम दिस न्यूज आइटम तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी एक नई स्पीशीज के बारे में आपको पढ़ने को मिला और ऐसे क्वेश्चन तो भाई यूपीएससी के बिल्कुल राडार में रहते हैं बहुत ज्यादा पूछता है यूपीएससी इन सब क्वेश्चन को ठीक है ना आगे मूव करेंगे और देखते हैं क्या न्यूज आइटम्स है आज की यहाँ पे री स्टोरिंग द सन टेम्पल्स एक्विजिट कार्विंग यहाँ पे अभी सन टेम्पल का स्टोरेशन वर्क चल रहा है आप सबको पता होगा सन टेम्पल जो कि कोडिसा में लोकेटेड है अब वहां पे एक न्यूली कार्व स्टोन्स आपको देखने को मिलेगा ऑन द नदन साइड ऑफ द जगमोहना जगमोहन क्या होता है असेंबली हॉल होता है जगमोहन क्या होता है असेंबली हॉल होता है और वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक एक नया कार्विंग आपको देखने को मिलेगा स्टोन कार्विंग देखने को मिलेगा है ना असेंबली हॉल जगमोहना के नदन साइड पे द रेस्टोरेशन वर्क इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन अर्क मंथ और इसका रेस्टोरेशन करता कौन है ऑब्वियसली इसका रेस्टोरेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया हुआ था कि 1861 में बना था एलेक्सेंडर कनिघम इसके पहले डायरेक्टर बने थे एलेक्सेंडर कनिघम एटीन में ये बना था ठीक है ना और एम एस आर एक्ट है है ना आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड जो एक्ट है रिमेन्स एक्ट है ए एम एस आर एक्ट 1958 का वो एक्ट है वो इसके अंतर्गत आता है आर्ट एंड एंटीकटीज़ एक्ट के अंदर की चीज़ें भी ये देखता है ठीक है ना कोनार्क सन टेम्पल याद रखिएगा कोनार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दूँ कि ये एक थर्टीन सेंचुरी का आपका ये मोन्यूमेंट है जो कि बना था कोनार्क में और जो ये सिचुएटेड है ये आपका जो टेम्पल बनाया जा गया था वो नरसिमहदेव

अब जो कुछ नई स्पीशीज है उनमें से कुछ कुछ मैं आपको बता दूं एक स्पीशीज यहाँ यहां लिखा है वो है क्रॉसी ड्यूरा नार्को नारकोन्डेमिका

केरी बोलते हैं बोयगा विटाकेरी देख लो बोएगा विट्टाकेरी या फिर उसको विटेकर बोलते हैं विटेकर्स कैट स्नेक ठीक है ना और ये वेस्टर्न घाट में बेसिकली तमिलनाडु वाले रीजन से मिला है ठीक है ना तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद रखना एंड जो मोस्ट नंबर ऑफ न्यू डिस्कवरीज़ हैं वो हिमेन हिमनोपटेरा हिमनोपटेरा से हुआ है जो कि आपका एक ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स होता है ठीक है ना तो यहाँ पे हिमनोपटेरा याद रखेगा ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स और मैंने आपको बोइगा विट्टाकेरी बताया जो कि एक विट्टेकर स्नेक भी कहलाता है रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ है और क्रॉसी ड्यूरा नारकोंडामिका जो कि वाइट टूथ शुरू है वो नारकोंडम आएले, नारकोंडा आईलैंड याद रखेगा ठीक है ना Uh, दो बॉडीज़ के बारे में आपको बता दूँ एक होता है जेड एस आई यानी कि जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल टेक्सोनॉमी की है ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है कि सर्वे करना प्रमोट करना रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन डौ, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी और दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसके अलावा सीक्स एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑन एनिमल टैक्सोनॉमी इट वॉज स्टैब्लिड इन 1916, 1916 में इसको बनाया गया था जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेडक्वार्टर्स इसका कोलकाता में है ये याद रखेगा ठीक है ना और बायोडावर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत भी ये चीज़ों को देखता है बायोडावर्सिटी में जितनी फोनल स्पीशीज़ है दूसरी बॉडी है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्टर ऑफ इवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है ये फ्लोरिस्टिक स्टडीज या कि फ्लोरा को स्टडी करती है स्टैब्लिश हुई थी इन एटीन नाइनटी में काफ़ी पुरानी बॉडी है अठारह में स्टैब्लिश हुई थी और ऑब्वियसली एक्सप्लोर करती है प्लांट रिसोर्सेज को कंट्री के आइडेंटिफाई करती है प्लांट स्पीशीज को इकोनॉमिक वर्च्यूज़ प्रोवाइड कौन कौन से प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है रेड लिस्ट तो आपको पता ही होगा कि फेमस रेड लिस्ट ये पब्लिश भी करती है जो फ्लोरा से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें अगली न्यूज़ है टाइफून से रिलेटेड अब देखो टाइफून किसको को कहाँ डुबा दिया कहाँ आया वो तो हम नहीं देखेंगे लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है वो जरूर देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन आप सबको पता है कि बहुत डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ में आता है और ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में ओरिजिनेट होता है वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में ओरिजिनेट होता है ठीक है ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसकी नेमिंग होती है इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन बोलते हैं एटलांटिक में इसको हरिकेन बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में इसको टाइफून बोलते हैं और इसको ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में विली विलीज बोलते हैं ठीक है ना याद रखेगा कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन की ये देखो का क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द दसेंशियल कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन सीधे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन और यहाँ पे चार कंडीशन दे देंगे तो पहला कंडीशन आपको याद रखना कि लार्ज सी सर्फेस विद टेम्परेचर हायर देन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एक तो सी सर्फेस लार्ज होना चाहिए और दूसरा टेम्परेचर ग्रेटर देन सत्ताइस डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए दूसरा प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स फोर्स प्रेजेंस होना चाहिए तीसरा स्मॉल डिफरेंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए है ना फ्लक्चुएशन कम होने चाहिए देन प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए ठीक है ना एंड लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो वीक लो एग्जिस्ट प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया याद रखिएगा देन अपर डाइवर्जेंस अब सी लेवल सिस्टम तो ऊपर जाकर के वो डाइवर्स होना चाहिए अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए ठीक है ना ये कंडीशन जरूर याद रखना क्वेश्चन अगर साइक्लोन से पूछेगा ना तो यहाँ से बहुत प्रॉबेबिलिटी है पूछ ले दूसरा पूछ सकता है वो आई ऑफ द साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है तो वही ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो एक आई के अराउंड ही रहता है आई का जो जोन रहता है ना बहुत काम का जोन होता है बहुत पीस रहता है वहाँ पे साइलेंस रहता है टेम्परेचर थोड़ा इंटेंस रहता है वहाँ पे ठीक है ना और वहाँ पे डिसेंडिंग एयर होता है लाइट विंड्स होती हैं क्लियर स्काई होता है आई आई वाले रीजन में और आई वॉल जो रहता है दैट इज अराउंड द आई आई के अराउंड आई वॉल रहता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग राइज ऑफ एयर इज देयर है ना स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग ऑफ आई स्पायरलिंग राइज ऑफ एयर होता है वहाँ पे ठीक है ना एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे विंड जो रहती है एक ये चीज कि आई वॉल में ही जो विंड रहती है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच करती है एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आगे मूव करते हैं अब देखो भाई साहब ये साइंस वाला जो पेज है आपने देखा होगा इसमें अलग अलग कलरफुल आपको देख रहा होगा ये मैंने बनाया है ऑब्वियसली क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं कलर कोडिंग मैंने इसलिए किया था तो कि मुझे पता रहे कि कहाँ पर कौन सा डिफ्रेंशिएशन आ रहा है आपको पढ़ाने के तरीके में मैंने इसको इंक्लूड किया था तो यहाँ पर नया पाथवे मिला है टू रेगुलेट द नाइट्रेट एब्जॉर्बशन इन प्लांट

अमोनो आ, आ, अमीनो एसिड का पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है तो मतलब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल हो गया अमीनो एसिड हो गया न्यूक्लिक एसिड हो इन सबका पार्ट नाइट्रोजन होता है मिलता कहाँ से नाइट्रोजन इट इज सोर्स फ्रॉम द सॉइल सॉइल से ही लेता है प्लांट है ना और ये मेनली एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स याद रखेगा इट इज मेनली मेनलीब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम बाय द रूट्स अमोनियम और नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये रूट्स एब्जॉर्ब करता है तो नाइट्रेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द जीनोम वाइड जीन एक्सप्रेशन तो जो जीन एक्सप्रेशन है प्लांट का उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है ना और इसी कारण से नाइट्रेट जो होता है पूरा रूट सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है है ना और लीफ डेवलपमेंट का काम करता है फ्लारिंग इन सब में हेल्प करता है ठीक है तो ये सारे एक्शन जो है कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा नाइट्रेट्स की प्रेजेंस के कारण होता है एंड ये याद रखना है आपको लॉट ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस इन द रूट्स टू एब्सॉर्व एंड कन्वर्ट नाइट्रोजन टू यूजफुल नाइट्रेट नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करता है प्लांट नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है उसके बाद उसको यूज करता है ठीक है ना तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट नाइट्रेट का समझ में आ गया लेकिन नाइट्रेट्स जो है अगर आप उनको ओवर यूज कर दोगे मतलब वैसे तो नाइट्रेट्स इंपॉर्टेंट है प्लांट डेवलपमेंट के लिए ग्रेन प्रोडक्शन के लिए आपने देख लिया कि प्लांट डेवलपमेंट हो या ग्रेन प्रोडक्शन हो दोनों में नाइट्रेट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन ओवर यूज अगर आपको नाइट्रेट्स आपने कर फॉर किसी ने बाहर से बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल दिया तो इसमें फिर डंपिंग ऑफ नाइट्रेट्स हो जाता है के अंदर जो कि एक तो नाइट्रेट्स का होता है वाटर एंड सॉइल में और न केवल वो सॉइल को इंपैक्ट करते हैं दूसरे चीज वो पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन सब में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो इसलिए नाइट्रेट्स का यूज जो है वो ऑप्टिमम यूज होना चाहिए और उसी ऑप्टिमल यूज के लिए आपको यह मेक्योर sure करना ना है कि जो पूरी प्रोसेस है नाइट्रेट एब्सॉर्बशन की या ये सब चीजों की वो एक अच्छी प्रोसेस रहे वो सही से प्रोसेस हो ठीक है ना ऑप्टिमली हो Uh, यहाँ पे आपको एक ऑक्सिन हार्मोन के बारे में लिखा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल डेवलप्ड रूट्स अक्रॉस द प्लांट्स मतलब एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम अगर आपका होगा तो नाइट्रेट्स आप ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्व कर पाओगे और एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है जो कि वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है अब जो मेथड है जो अल्टरनेट यहाँ पे पाथवे लिखा गया है वो मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे एक जीन है मैड्स ट्वेंटी सेवन एम ए डी एस ट्वेंटी सेवन ये लिख लेना यार ये याद रख लेना एम ए डी एस 27 mats 27 ये एक जीन है ये नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन को रेगुलेट uh, करता है इट रेगुलेट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट्स एंड रूट डेवलपमेंट को करता है एंड स्ट्रेस टॉलरेंस स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है और ये एक्टिवेट कैसे होता है एक माइक्रो आरएनए है एमआईआर 444 याद रखिएगा एक माइक्रो आरएनए होता है माइक्रो आरएनए आर फोर 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 ये दो नाम याद रखिएगा इसको मैट्स ट्वेंटी सेवन और एम आई आर फोर 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 ये दोनों हैं तो मैट्स ट्वेंटी सेवन इज एक्चुअली अल्टरनेट अल्टरनेट पाथवे जिसके थ्रू जो याद रखिएगा ये मैट्स ट्वेंटी सेवन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एंड इसको पहले इतना स्टडी नहीं किया गया था लेकिन ये जो फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तीन इफेक्ट्स होते हैं पहला ये रेगुलेट करता है नाइट्रो नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को ठीक है ना नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है दूसरा ये बेटर डेवलपमेंट ऑफ द रूट्स में हेल्प करता है रूट्स के बेटर डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड ये ऑक्सीजन को भी रेगुलेट कर सकता है तीसरा इट हेल्प इन द स्ट्रेस टॉलरेंस स्ट्रेस टॉलरेंस में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैट्स ट्वेंटी होप आपको समझ में आ गया होगा ना समझ में आ जाना चाहिए। अगला जो है वो है कैप, कैप स्टोन या कैप स्टोन मिशन के बारे में। तो आप लोग याद रखिएगा कि है स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है फ्रॉम न्यूजीलैंड 28 जून को ये किया है कैपस्टोन मिशन

अगली न्यूज़ है वाई इंडिया शुड सपोर्ट एंटीबायोटिक डेवलपमेंट अब आप देख रहे हैं ना आज का पेपर मज़ेदार ही पेपर है बहुत मज़ेदार पेपर है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि यूपीएससी 2023 के लिए हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 जुलाई से क्लासेज हैं आज तीन जुलाई हो गई है तो छः जुलाई से रेगुलर उसकी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी आ, उसमें आपको होमवर्क एसेंशियल जो सारी चीज़ें वो मैं प्रोवाइड किया करूंगा प्लस अपन जो मैं मैंने जो किताबें कुछ लिखी हुई हैं चाहे एंशंट की

वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक डेवलपमेंट क्यों इंडिया को करना ज़रूरी है क्यों इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आया है आप सबको पता है एंटी माइक्रोबियल रेजिटेंस का मतलब क्या है कि भैया जब दवाइयाँ काम ना करें है ना और वो होता क्यों है क्योंकि आपने एंटीबायोटिक्स इतनी मिस कर ली हैं आपको कोई भी छोटी सी खांसी सर्दी जुकाम भी होना तो आप जाकर के एंटीबायोटिक ले लेते हो है ना आजकल तो घाव सुखाने के लिए बोलते हैं एंटीबायोटिक ले लो ये हो गया एंटीबायोटिक ले लो बता डॉक्टर को दिखाना ही नहीं डॉक्टर तो हम खुद ही हैं या वो दवाई वाला जो दवाई दे रहा है

तो एटली ऐसे लोग हैं और भी बहुत सारा डेटा था लेकिन अभी हमको जानना है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो एम से फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है एम से ठीक है ना डेथ का रेशियो भी परसेंटेज भी काफ़ी ज्यादा इंक्रीज हुआ है है ना इसका रीज़न क्या है मैंने आपको बताया इरेशनल एंटीबायोटिक यूज़ एक सबसे बड़ा रीजन है कि भैया इरेशनली आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो जन जनरल पब्लिक उसको यूज़ करते ही है जो ड्रग्स आपको ओवर द काउंटर मतलब ऐसे अवेलेबल नहीं होने चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो सब यूज़ आप ले लेते हो है ना दवाई वालों से पहचान वाले दवाई वालों से है ना और फिर ये पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बनता है फिर सुपर बग सुपर बग भी बन जाता है कई बार उस पर कोई दवाई नहीं काम करती फिर है ना अगर आपको ए क्राइसिस रोकना है तो आपको क्या करना होगा आपको रोबस्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा नई एंटीबायोटिक्स ढूंढनी पड़ेगी रैपिड एफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स आपको लाना पड़ेगा लिख लिख लो लिख लो इसको है ना कैसे लिखोगे इसको लिखोगे आप हेडिंग डाल करके आप हेडिंग क्या डालोगे कि हाउ टू टैकल एम ये मेन का क्वेश्चन है भाई आज मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है ये पहला रोबस्ट इन्वेस्टमेंट करो इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सेकेंड नई एंटीबायोटिक्स बनाओ तीसरा रैपिड एंड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक करो चौथा स्ट्रेंदनिंग प्रैक्टिस इंफेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करो पांचवा फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द एंटीबायोटिक प्रोग्राम मतलब कंट्री में लोगों को बताओ कि किस तरीके से आपको एंटीबायोटिक्स का मिस यूज नहीं करना है अवेयर करना है और कोशिश करो कि इक्विटेबल एक्सेस मिल सके लोगों को लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स की ऐसे नहीं कि रूरल एरियाज में कुछ मिल ही नहीं रहा और अर्बन एरिया वाले पूरी एंटीबायोटिक खा के बैठे हैं है ना आ, ये सारी चीजें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये कहा था कि वो एक लेजिस्लेशन पास करेंगे जिसमें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रा टेट्रासाइक्लिन का जो एग्रीकल्चर में यूज होता है मतलब कि इट इज़ यूज इन ग्रोथ एंड प्रमोशनल यूज ऑफ कॉलिस्टीन इन पोल्ट्री फार्मिंग तो यहाँ पे कॉलिस्टिन नाम की एक दवाई है वो पोल्ट्री फार्मिंग में याद रखेगा और स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज एग्रीकल्चर में किया जा रहा है उसको बैन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लेजिशन पास करने वाली है, है ना तो ये सारी चीज़ें वेलकम स्टेप्स है जो कि इंडिया की तरफ से उठ उठ सकते हैं एंड रीजन क्या होता है कि क्यों एंटीबायोटिक ए uh, एम आर में uh, इतना कम रिसर्च हो रहा है इसका रीज़न ये है कि देखो तो ऐसी चीज है कि इसमें रिसर्च करने के बाद जो दवाई बनेगी वो तो आप तब यूज करोगे जब किसी व्यक्ति के ऊपर ए होगा है ना मतलब इसको जनरली तो आप नहीं यूज करोगे इसको आप यूज करोगे कब लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज करोगे तो यहां पर इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इतना ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रहेगा और दूसरा इसकी जरूरत आपको एक सेकेंडरी मेडिसिन के रूप में पड़ेगी ना कि प्राइमरी मेडिसिन के रूप में इसलिए इसमें एएमआर में रिसर्च कम होती है बट रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सिंपल रीजन आप सब को पता है कि, कि भैया इससे बहुत ज्यादा डेथ हो रही है इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ठीक है ना याद रखेगा। I hope you got clarity. यहाँ पे G7 का जो नया प्लान है पी जी आई आई उसके बारे में आपको बता पी जी आई आई क्या है? पीजी जी आई आई आपका, आ, G7 का इनिशिएटिव है जिसमें Back Better, Build Back Better का उन्होंने एक वो दिया दिया था था। G7 ने दिया था और उसमें कहा था कि भाई बिल्ड बैक बेटर के थ्रू हम एक अच्छा वर्ल्ड बनाएंगे है ना और पीजी आई, आई आई एक बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का एक आल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रही है जी सेवन कंट्रीज जिसमें यूएस कैनेडा इटली यूके फ्रांस जर्मनी जापान ये सब आती हैं और उन्होंने कहा है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे कनेक्टिविटी बनाएंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे रोड्स बनाएंगे पोर्ट्स बनाएंगे ब्रिजेस बनाएंगे और इन्हेंस करेंगे ग्लोबल ट्रेड को ग्लोबल कोऑपरेशन को ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैकेजम के थ्रू इसको करेंगे तो पी इंडिया थोड़ा इसमें अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है क्यों क्योंकि इंडिया को यही नहीं समझ में आ रहा कि ये नया इनिशिएटिव है कि ये मतलब क्वाड के अंतर्गत रहेगा या क्वाड से बाहर रहेगा ये सारी चीजें थोड़ा क्लियर नहीं इसलिए इंडिया थोड़ा से दूरी दूरी बनाकर रख रहा है मेजरिंग क्वेक्स अर्थक्वेक को मेजर करने की बात चल रही है तो अर्थक्वेक को देखो अर्थक्वेक क्या होता है आपको सबको पता है प्लेट टेक्टोनिक्स में ये पता है आपको कि जो हमारी लेथोसफेयर है वो पूरा प्लेट से बना हुआ है है ना अलग अलग लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं आप सबको पता है अब वो जो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं या फॉल्ट होता है प्लेट बाउंड्री पे तो अर्थक्वेक आता है अर्थक्वेक जिस पॉइंट पर आता है वो पॉइंट उसका फोकस या हाइपो सेंटर कहलाता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे मान लो ये ये सरफेस है और ये अंदर कहीं यहाँ पर यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो ये आपका फोकस कहलाएगा यह हाइपोसेंटर और यहाँ के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर जब सरफेस का जो पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं ठीक है ना तो परपेंडिकुलर बिल्कुल सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं सीस्मिक वेव्स आपको पता है सीस्मिक वेव्स अलग-अलग तरीके की होती हैं जो कि ये ये वेव्स के फॉर्म में निकलती है पूरी एनर्जी जो है ये फॉल्ट की वो वेव्स के फॉर्म में निकलती है इसमें पी वेव्स आपको पता है एस वेव आपको पता होगा एल और आर वेव्स पता होगा जो आपका लव और रेली वेव्स होती हैं ये भी आपको पता होगा है ना तो पी ये सब डिटेल हम नहीं देखेंगे कि शेडो जोन किसका कहाँ बनता है 145 डिग्री क्या है वो आप जोग्राफिक एन में पढ़ सकते हैं नॉर्मली यहाँ वेव्स की बात चल रही है एनर्जी निकालते हैं और इन्हीं को सीस्मिक वेव्स कहा जाता है एक्चुअली इन्हीं के एम्पलीट्यूड का लॉग निकाल करके मेजरमेंट होता है मैग्नीट्यूड का सिंपल आप लिख लो आप लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है मैग्नीट्यूड में लॉरिदमिक वैल्यू होती है लॉग निकाला जाता है जो एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड मतलब जो इसका वेव्स ऐसे अगर ट्रेवल कर रही है तो इसका जो हाइस्ट पॉइंट जहाँ तक

ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना रखिए लॉग आप सबको होता है जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो पता ही होगा कि लॉग में अपन जो बेस लेते हैं बेस वैल्यू टेन की लेते हैं है ना टेन के बेस पे निकालते हैं इसीलिए जब ये फाइव टू सिक्स बढ़ गया मतलब पाँच की मैग्नीट्यूड का एक अर्थ को एक हो एक छः के मैग्नीट्यूड का अर्थ को एक हो तो दोनों में लगभग दस गुना टेन टाइम्स डिफरेंस होता है उसकी मैग्नीट्यूड में ठीक है ना जोन्स कैसे डेजिग्नेट होती हैं तो सीस्मिसिटी यानी कि उनकी इंटेंसिटी के ऊपर इंटेंसिटी क्या याद रखेगा मर्केली स्केल होती है जैसे मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल है वैसे इंटेंसिटी का मैं लिख के दे देता हूं हिंदू में, में लेकिन ये एनसीआरटी में लिखा हुआ है आपका इलेवेंथ क्लास की एनसीआरटी जब पढ़ेंगे तो में वन टू है स्केल और आपकी जो रिक्टर है वन टू टेन की स्केल का है। ये डिफरेंस होता है ठीक है ना इंडिया में जो जोन्स जो जो डिवाइडेड हैं वो फोर uh, जोनस है जैसे कि जोन टू है जोन थ्री है जोन फोर जोन फाइव है ठीक है ना जोन फाइव जो है वो मोस्ट हज़ारडेस है जोन टू जो है वो लीस्ट हज़ारडस है जोन वन कोई जोन नहीं है हमारे है ना तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं अर्थ को को होने के दस मिनट बाद आप बता सकते हैं ज़रूर कि कहाँ पर कैसे किस मैग्नीट्यूड से हुआ लेकिन उसको प्रीजज करना बहुत दिक्कत है बहुत मुश्किल है क्योंकि फॉल्ट मटेरियल इन सब के ऊपर डिपेंड करता है और मटेरियल हर जगह का चेंज होता है इसलिए कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं बनाया जा सकता फॉर डिटरमाइनिंग द

सबको प्रॉफिट चाहिए यार वही सब चीज़ें ट्राई कर रहे हैं सो दट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लटर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड अव नाइस डे